संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था, ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चितला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो, मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, चार पांच शादी हुआ, अगर उसका अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है, ठीक है सर। तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोलकाता का भवानीपुर इलाका जो है, इसी इलाके में संजय राय जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर का आरोपी है, वो इसी इलाके में रहता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो उसे जानते थे, बचपन से उसे जानते थे। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहे, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम, पहले स्पोर्ट्स में था संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था, ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चितला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो, मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, चार पांच शादी हुआ, अगर उसका अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है, ठीक है सर। तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी, कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ, धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब, आप लोगों के साथ बताइए ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था? नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम, मेन सर है उसको, वो उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था, कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोगों को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था, मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा मार खिला दूंगा, अरे चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था? हाँ, वो तो सुने सर कि अपने वाइफ को वो हाथ मार धार करता था, फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पहाड़ में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है, किसके लिए हो रहा है, बोले ये संजय के लिए, तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। अच्छा, आपकी भी लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो पी पा के भैया बोला तो वो पी के था, और हम लोग भी यहाँ गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया, हम लोग बाबा का भक्त थे, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया, ठीक है, हम वही उसको बात बोला भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा, तो वो नहीं जाने मांग रहा था, ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था, मेरा गरम हो गया माता, उसको धक्का बक्का दे के भागा। जो मैम की सीधा सा सवाल, कोई बात हम वही लिए, मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था, पीते थे हम गांजा और दारू पीते। नहीं, वो उसका करेक्टर क्या, वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत, वो शराब पीने के बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, मैंने उसका नेचर ही खराब है बोलने से, ठीक है, वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं, कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय सर? हम बोले थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा। किस तरीके का उसका व्यवहार था सर? वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है, वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है, तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था,
पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, मैं वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट रुकाते थे। ठीक है सर, तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं सिविक वॉलेंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस वो जो अपना मेडिकल आरजी कल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलेंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रॉब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रॉब भी नहीं, नहीं। यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रॉब नहीं दिखाता था क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरीडे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ रेड लाइट एरिया में। यस सर, आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी सर वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है। वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ, शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब उस लोग घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से। ठीक है ना, तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था। उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था। हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा, और क्या उसकी पत्नी के साथ भी कैसे संबंध थे? जो पहली पत्नी थी बता रहे थे उसके साथ भी मारपीट करता था। हाँ, ये सर ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था। मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था आवाज नहीं आता था। आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छुड़ाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बॉटल प्राइवेट पार्ट में फिर सिगरेट से। वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था, तो लड़की का डेड हो गई। तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में रिपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी ने रिपोर्ट भी किया था। जी सर। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या वो शराब फ्रिक्वेंटली डेली रोजाना पीता? एवरीडे 24 आवर्स वो पी के रहता था ऑल टाइम। और शराब पीने के बाद वो अक्सर छेड़छाड़ करता? यस सर। तो देखिए, ये हैं उसके बचपन के दोस्त जो उसके जानकार हैं। और आप उसके साथ स्पोर्ट्स में भी थे? स्पोर्ट्स में जैसे सर हम बॉक्सिंग खेलते थे पहले, वो भी बॉक्सिंग में था। ठीक है, तो वो हम लोग से बहुत सीनियर था, तो वो बॉक्सिंग से निकला तो मैं भी निकल गया बॉक्सिंग से क्योंकि मेरा पढ़ाई था सर। ठीक है, तो वो बॉक्सिंग छोड़ के ये गलत काम करने लगा, हम लोग को ये पता नहीं था सर। तो निश्चित तौर पर काफी समय से ये संजय राय को जानते थे और इनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि संजय राय जो है वो अक्सर शराब पीता था और वो रेड लाइट एरिया में भी जाता था और उसका व्यवहार जो है वो आसपास ठीक नहीं था और इसी वजह से लोग जो थे उसके जो पुराने जानकार थे वो उससे कटने लगे थे। कैमरा मनोज के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नवभारत, कोलकाता।